इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्टल कॉम्पैक्ट के अंदर अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है एरर नेटवर्क, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नेटवर्क एरर हो या एरर नेटवर्क हो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा गेम है, तो इसमें हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो ध्यान से देखिएगा जो कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको जो है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर जो है आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाना है, और एक दफ़ा सबसे पहले एरोप्लेन मोड को लगा लेना है और बंद कर देना है। फ़िलहाल मैंने लगाए रखा है, ठीक है, और फिर आपको बैक लाना है और अपने सिम कार्ड्स में जाना है और चेक कर लेना है कि इंटरनेट प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। चाहे आपका वाईफाई से हो तो वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है, ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आएगी, या आप सिम कार्ड में यूज़ कर रहे हैं तो आप सिम कार्ड में भी उसको सही से यूज़ करिएगा। अब जैसे यहाँ पर हमारी वाईफाई कनेक्ट हो गई है और इसमें डेटा प्रॉपर आ रहा है तो ही यूज़ करिएगा। उसके बाद ऐप्स में जाइएगा, मैनेज ऐप्स में जाइएगा और यहाँ पर सर्च करिएगा मॉर्टल कॉम्पैक्ट और इसे खोल लीजिएगा। अगर यहाँ पर रिस्ट्रिक डेटा यूसेज लगा हुआ दिखाई देता है आपको तो तीनों पर टिक लगा कर ओके कर दीजिएगा। खास करके वाईफाई को यूज़ कर रहे हो तो वाईफाई पर तो टिक रहना ही चाहिए, इतना आपको करना है। फिर यहाँ से अपने फ़ोन को बंद करके खोल लेना है। खोलने के बाद प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है यहाँ पर मॉर्टल कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर आपको अगर इसमें अपडेट दिखाई देता है तो अपडेट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो फिर सॉल्व हो जाएगी। तो ये इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।